बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज सरदार शफीक, इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लर्न अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, हाउ वी कैन मेक इट its subject to recognize and verb and object in a sentence, then we can how translate it into English. Let's learn first of all its principle. Subject ke baad हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। रूल नंबर टू, अगर सब्जेक्ट आई ही शी इट और सिंगुलर नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब वॉज, और अगर सब्जेक्ट वी दे यू और प्लूरल नेम्स हूं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये बात याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नेम एंड आए हो तो हेल्पिंग वर्ब वॉज इस्तेमाल होता है, और अगर सब्जेक्ट वी दे यू और प्लूरल नेम्स हो तो हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल होता है। ये बात याद रखिएगा। हेयर अगेन साइंस लाइसियम ग्रुप ऑफ स्कूल इज सर्विंग टू यू ऑल। देन लाइक आवर वीडियोज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन सो दैट यू मे गेट लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू। ये इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास हैं ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था। इट्स मेथड है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट then helping verb plus not verb ing से इसको add करेंगे and last पे object है। इस method के तहत अगर देखेंगे तो driver हमारे पास subject है, रहा था हमें बता रहा है ये कि past continuous का sentence है और ये helping verb है।
नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, चलाना वर्ब है एंड कार ये ऑब्जेक्ट है. होल ऑफ दिस सेंटेंस वी हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू आवर मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सब्जेक्ट ड्राइवर, द ड्राइवर सिंगुलर नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट. ये बात क्लियर होगी. एक और सेंटेंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. दुश्मन दरिया अबूर नहीं कर रहा था. दुश्मन इसमें सब्जेक्ट है, अबूर करना इसमें वर्ब है, रहा था हेल्पिंग वर्ब, ये शो कर रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, और ऑब्जेक्ट इसमें रिवर है. The enemy, then translated to English, the enemy was not abur karna, iski English hai cross, crossing the river. ये बात क्लियर होगी. एक सेंटेंस और प्रैक्टिस के लिए. The boys were not, लड़के गीत नहीं गा रहे थे. The boys were not singing songs. एक गीत है, then song. ये था हमारा आज का लेसन. At the end, आपको बता दूं कि आपने एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस के लिए 29 है, उसको करना है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.